Hey everyone, I am Chanchal Ford और आज हम international business को revise करने वाले हैं under our this series. If you want to know anything about the crash course, you can just hit the eye icon and get all the details regarding it. So without wasting our time, let us just cover all the topics of international business so that you can revise each and every concept thoroughly and your exam goes well. Start करते हैं सबसे पहले scope और importance of international business. तो इसको समझने के लिए पहले हमें इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब पता होना चाहिए. तो जब कोई भी इंडिविजुअल इनटू डिफरेंट कंट्रीज या फिर कोई भी बिजनेस जो डिफरेंट कंट्रीज में है या फिर डिफरेंट कंट्रीज की गवर्नमेंट आपस में ट्रांजैक्शंस करती हैं, आपस में ट्रेड करती हैं, उसे बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. तो यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की जाती हैं बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज. अब इंटरनेशनल बिजनेस जो है उसका स्कोप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस का जो स्कोप है इट इज मच ग्रेटर देन दी इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट इंक्लूड होता है, वेयर एज इंटरनेशनल बिजनेस में हम फ्रेंचाइजिंग, टर्नकी प्रोजेक्ट, लाइसेंसिंग, लीजिंग, इन सब की भी बात करते हैं. मूविंग ऑन, इंटरनेशनल बिजनेस की इम्पोर्टेंस क्या है? ये हमारी सेल्स को इंक्रीज करता है, हम अपने रिसोर्सेज को एफिशियंटली यूटिलाइज कर सकते हैं. Then there are new opportunities. अलग अलग कंट्री में अलग अलग अपॉर्चुनिटी है तो वो हमें मिल जाती है. Then it provides the quality products. नई टेक्नोलॉजीज भी हमें मिल जाती हैं and also हमें foreign exchange earn करने में help मिलती है with the help of the international business. So here some benefits of international business are mentioned. The first is business development. मतलब हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जाके अपनी सब्सिडरीज खोल सकते हैं एंड हेंस अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड इज फाइनेंशियल बेनिफिट. हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का यहाँ पर बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि हम प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करेंगे. ऑल्सो हमारी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी, हमारे पास एफिशियंसी आएगी एंड सो ऑन. देन थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स. डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पास डिफरेंट इनोवेशंस हैं, उनको यूज करके हम अपने टेक्निक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड हेंस इट विल इम्प्रूव आवर बेनिफिट्स. देन प्रोडक्शन एडवांटेज. लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, दैट इज वाई हमें प्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है. एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्स एडवांटेजेस. अगर हम डिफरेंट कंट्रीज में जाके लोगों को एम्प्लॉय करेंगे सो वी विल हैव अ डाइवर्स वर्कफोर्स, और उस डाइवर्स वर्कफोर्स का हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं एंड it can easily help us to improve our profits. Now here we need to understand certain types of companies. The first one is international company. So international company wo hoti hai jo apne products ko export karti hai to different countries. Yahan par sirf export import ki baat ki jayegi, yahan par wo company apni subsidiaries ko nahi kholegi. So an international company is involved in exporting and selling its goods to the other nations. Then next is global company. Global company क्या करती है? अपने products को different different countries में बेचती है, अपनी subsidiaries भी खोलती है, but यहाँ पर central headquarters होते हैं, right? और इसका एक major feature क्या है कि इसके जो products हैं वो standardized products होते हैं. So ये local culture और preferences को ध्यान में नहीं रखती. The next is multinational company. अब मल्टीनेशनल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपनी सब्सिडरीज खोलती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर, और उन सब्सिडरीज को बोलती है कि आप लोकल टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस का ध्यान रखें एंड हेंस इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कस्टमाइज्ड होते हैं. जैसे कि मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स इंडिया में बीफ सेल नहीं करता, सो इट इज़ अ मल्टीनेशनल कंपनी. लास्ट इज ट्रांजैक्शनल कंपनी. ट्रांजैक्शनल कंपनीज मल्टीनेशनल कंपनीज की तरह ही होती हैं, बट यहाँ पर सब्सिडरीज के पास ज़्यादा पावर है, दैट इज़ दे हैव देयर डिसीजन मेकिंग पावर, दे हैव देयर ओन मार्केट्स एंड ओन प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो यहाँ पर जो पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सब्सिडरीज के बीच में वो ज़्यादा होती है. ऑल्सो इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो एक से ज़्यादा लोकेशन पर पॉसिबल हैं. नाउ द नेक्स्ट मेजर टॉपिक अंडर इंटरनेशनल बिजनेस इज ग्लोबलाइजेशन. तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमारा इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, वहाँ से खरीद रहे हैं, उनके कल्चर को अडैप्ट कर रहे हैं, अपने कल्चर को वहाँ भेज रहे हैं,
तो ये सब किसका रिजल्ट है? दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि हम इंटरकनेक्ट हो जाते हैं डिफरेंट ग्लोबल इकोनॉमीज से, एंड हेंस अगर एक पार्ट में कुछ हो रहा है वर्ल्ड के तो वो दूसरे पार्ट को इफेक्ट करेगा. ग्लोबलाइजेशन पर कुछ व्यू पॉइंट्स गिवन है. फर्स्ट इज हाइपर ग्लोबलिस्ट. हाइपर ग्लोबलिस्ट बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है और उससे हमारी इकोनॉमी जो है वो गेन कर रही है. देन द ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट. ट्रांसफॉर्मेशनलिस्ट क्या बोलते हैं? वो नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट दोनों को देखते हैं और हाइपर ग्लोबलिस्ट से थोड़े कम पॉजिटिव होते हैं. ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हमारी इकोनॉमी इम्प्रूव ज़रूर हो रही है और उसकी वजह से एक कंट्री का कल्चर वो सेफ नहीं रह पा रहा. ऑल्सो वहाँ पर एक और व्यू पॉइंट दिया गया है, दैट इज स्केप्टिज्म. इसमें क्या है कि वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सीधा सीधा एक नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी पर एंड इट इज़ नॉट अ गुड प्रोसेस. अब इकोनॉमी में ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ी या वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ी? बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन. फर्स्ट इज डिक्लाइनिंग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. तो 1920s और 1930s में वर्ल्ड के सारे नेशंस जो हैं उन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रेड बैरियर्स को हटाया क्योंकि उस टाइम जो वॉर्स हुए थे उसकी वजह से इकोनॉमी को काफ़ी इफेक्ट हुआ था. सेकेंड, टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स. हर एक कंट्री के पास अपनी एक टेक्निक है और अगर हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करेंगे तो हमारी इनोवेशन इम्प्रूव होगी. थर्ड इज़ मार्केट ड्राइवर्स. जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट्स हैं वो धीरे धीरे सैचुरेट हो रही हैं, मतलब कि हमारी मार्केट्स में अब स्कोप नहीं बचा है कि हम और ज़्यादा सेल कर सके. तो ऐसे केसेस में हमें फॉरेन कंट्रीज़ या फॉरेन मार्केट्स जो है वो स्कोप प्रोवाइड करती हैं एंड हेंस ये वन ऑफ द रीजंस है कि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ रहा है. देन लास्ट इज़ कॉस्ट ड्राइवर्स. इसका क्या मतलब है कि हम उन कंट्रीज़ में जाकर प्रोड्यूस करना चाहते हैं जहाँ पर कॉस्ट सबसे कम हो एंड हेंस इट इज़ हेल्पिंग अस टू इम्प्रूव द प्रॉफिट्स. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम इंटरनेशनल बिजनेस की इतनी बात कर रहे हैं लेकिन एक कंपनी ये कैसे डिसाइड करती है कि कौन सी कंट्री में उन्हें एंटर करना है, कब एंटर करना है और किस मोड से एंटर करना है. सो सबसे पहले एक कंपनी डिसाइड करेगी कि हमें कौन सी फॉरेन मार्केट में जाना है. सो दैट फॉरेन मार्केट कुड बी एनी प्लेस जहां पर उन्हें लगता है कि उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकते हैं. उसके बाद उस मार्केट में एंट्री की टाइमिंग क्या रहेगी, मतलब उसे वो कॉम्पिटिटर्स वगैरह देखने पड़ेंगे, उस हिसाब से वो सोचेंगे कि उस मार्केट में कब एंटर करना प्रॉफिटेबल है. एंड फाइनली स्केल ऑफ एंट्री क्या रहेगा, मतलब कि वो एंटर कैसे करेगी. नाउ दीज आर दी थ्री बेसिक क्वेश्चंस जो हर एक कंपनी को आंसर करने पड़ते हैं बिफोर एंटरिंग इनटू एनी फॉरेन मार्केट. सो यू नीड टू रिमेंबर दीज थ्री एस्पेक्ट्स क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि एंट्री करने के मोड्स क्या हैं. सो दीज आर दी मोड्स, लेट अस टेक देम वन बाय वन. पहला है ट्रेड रिलेटेड, उसमें आता है एक्सपोर्टिंग. एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि हमने गुड्स को प्रोड्यूस करा अपनी कंट्री में और फिर उन प्रोडक्ट्स को फॉरेन में जाके बेच दिया, वहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को भेजा एंड हेंस वहाँ पर हमने उनकी सेल करी. सो हियर द प्रोडक्शन इज डन इन द डोमेस्टिक मार्केट लेकिन जो सेल हो रही है वो कहाँ हो रही है, फॉरेन मार्केट्स में. एक्सपोर्टिंग जो है वो बेसिक वे है जिससे कि एक कंपनी किसी भी मार्केट में एंटर कर सकती है और यहाँ पर बैरियर्स की इतनी दिक्कत नहीं आती एंड हेंस इट इज़ द ईजिएस्ट वे टू एंटर द मार्केट. नेक्स्ट वे इज काउंटर ट्रेड. अब काउंटर ट्रेड में चार चीज़ें आती हैं. सबसे पहले है बार्टर. बार्टर में क्या होता है, सपोज मैंने एक कंट्री को वीट दिया और इन रिटर्न उस कंट्री ने मेरे को पेट्रोलियम दिया, तो ये होता है बार्टर सिस्टम जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर मनी का कोई भी काम नहीं है. सेकेंड आता है काउंटर परचेज. काउंटर परचेज में क्या होता है, एक कंपनी है एक कंट्री में, उसने कुछ गुड्स सेल किए बी को विच इज बेस्ड इन अनदर कंट्री और उससे ये प्रॉमिस लिया इन रिटर्न फ्यूचर में वो हमें कोई और गुड्स देगी, राइट. तो यहाँ पर साथ के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं होती. थर्ड इज ऑफसेट. ऑफसेट इज वेरी सिमिलर टू काउंटर परचेज. यहाँ पर भी दो कंपनीज इन्वॉल्व है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में और ए ने बी को कुछ भेजा, सपोज ये यूएस में बेस्ड है कंपनी, अब जो बाकी कंपनीज है यूएस में वो भी इन रिटर्न ए को कुछ भेज सकती है फॉर
the value जो उसने B को transfer करी. तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सेम कंपनी से ही वो प्रॉमिस ले कि वो रिटर्न में मुझे गुड्स दे. यहाँ पर उस कंट्री की कोई भी कंपनी आपको रिटर्न में कोई गुड दे सकती है. तो यही बेसिक डिफरेंस होता है काउंटर परचेज और ऑफसेट में. लास्टली बायबैक. बायबैक में क्या होता है कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी या फिर प्लांट सेटअप की बात की जाती है. तो सपोज ए विच इज बेस्ड इन इंडिया, उसने यूएस में अपना एक प्लांट सेट किया और इस प्लांट से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो उन्हें बाद में इन फ्यूचर खरीदेगी. सो ए ने अपनी टेक्नोलॉजी या फिर अपना प्लांट बी में सेटअप किया और इन रिटर्न बी ने क्या किया, उस प्लांट से जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो ए को दे दिए. तो ये था हमारा काउंटर ट्रेड. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ एंट्री मोड्स आर कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड्स. फर्स्ट टाइप अंडर दिस इज इंटरनेशनल लीजिंग. मतलब यूएस ने एक मशीनरी दी इंडिया को टू यूज इट इन रिटर्न और सम फीस. तो यहाँ पे यूएस क्या है, लेजर है और इंडिया क्या है, लेजी है. तो इंडिया को इजीली मशीन मिल गई, उसको इसके लिए ज्यादा पेमेंट नहीं करनी पड़ी क्योंकि अगर मशीन खरीदी जाती तो साथ में ही पेमेंट करनी पड़ती. यहाँ क्या हुआ कि हमने मशीनरी ले ली और हम यूज करेंगे जब तक हमें यूज करनी है एंड मंथली हम उनको फीस देते रहेंगे. यूएस के लिए क्या बेनिफिट हुआ कि उन्होंने ऐसी मशीनरी हमें दी है जो वो खुद यूज नहीं कर रहे थे, तो उसके लिए तो वेस्ट पड़ी थी, राइट? तो उन्होंने इसे हमें ट्रांसफर कर दिया. देन द सेकंड इज इंटरनेशनल लाइसेंसिंग. इसमें क्या होता है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रांसफर करती है और उसे ये राइट देती है कि वो उसे यूज कर सके. इसके एडवांटेजेस क्या होंगे कि हम अब्रॉड में एक्सपैंड कर पा रहे हैं विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट या इन्वेस्टमेंट, रिस्क कम है. और ये सबसे ज्यादा कब यूज किया जाता है, जब फर्म के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो बट वो उसे यूज ना करना चाहती हो. इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि जिस कंपनी को हमने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए हैं उस कंपनी की ओनरशिप या उस कंपनी की मार्केटिंग स्किल्स या उस कंपनी की जो प्रोडक्शन है उन सब पर हमारा कंट्रोल नहीं है. वो अपने अकॉर्डिंग सब कुछ करेंगे, वो बस हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करेंगे. नाउ मूविंग फर्दर, थर्ड इज इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग और लाइसेंसिंग काफी सिमिलर है. यहाँ पर भी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को ट्रांसफर करते हैं, लेकिन जो कंपनी ये राइट्स ट्रांसफर कर रही है उसके पास जो है कंट्रोल होता है ओवर दैट कंपनी जिसको उसने ये राइट्स ट्रांसफर किए हैं. सो जैसे कि एग्जाम्पल मैकडी, बर्गर किंग. सो डिफरेंस क्या है दोनों में, लाइसेंसिंग में क्या होता है वो सिर्फ एक बिजनेस का पार्ट ट्रांसफर करते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजिंग में पूरा का पूरा बिजनेस फंक्शन ही ट्रांसफर कर दिया जाता है. कंट्रोल जो है यहाँ पर लाइसेंसी के बिजनेस पर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब जिसको आपने अपने राइट्स दी हैं उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वेयर एज फ्रेंचाइजिंग के केस में कंट्रोल होता है. एंड फाइनली इंडस्ट्रीज. लाइसेंसिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कॉमन है, वेयर एज फ्रेंचाइजिंग आपकी सर्विस इंडस्ट्री में कॉमन है. देन द लास्ट अंडर कॉन्ट्रैक्चुअल मोड इज टर्न की प्रोजेक्ट. इसमें क्या होता है कि हम एक फॉरेन कंपनी को जाकर कॉन्टैक्ट करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप हमारे लिए प्रोडक्शन करें या आप हमारे लिए कोई भी चीज़ बनाएं एंड देन जब वो कंप्लीट हो जाए उसे हमें वापस कर दे. देन द थर्ड टाइप इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एंट्री मोड्स. यहाँ पर हम इन्वेस्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब हम किसी कंट्री में जाकर एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ये किस लिए किया जाता है, ताकि उस कंपनी की ओनरशिप को हम ले सके. देन सेकेंड इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इसमें क्या होता है, हम फॉरेन कंट्री की किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं. यहाँ पर हमारा जो मोटिव है वो सिर्फ पैसे कमाना है, वहाँ की ओनरशिप में कंट्रोल पाना नहीं है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन FDI एंड FPI. यहाँ पर सिर्फ पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की जाती है, वहाँ पर एसेट में करी जाती है और दोनों के मोटिव्स में मेजर डिफरेंस है. इनको हम अभी डिटेल में आगे की कुछ स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज. तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज बेसिकली क्या होती हैं, ये हमें ट्रेड पैटर्न्स बताती हैं कि कैसे एक गुड मूव करता है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री एंड
कौन से गुड्स हैं जो हमें ट्रेड करने चाहिए जिससे कि हर एक कंट्री को एडवांटेज हो. फॉर एग्जाम्पल, US यूजुअली ऑटोमोबाइल्स या कैपिटल गुड्स को ट्रांसफर करता है, इंडिया स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करता है, एंड अरब कंट्रीज जो हैं वो यूजुअली ऑयल में डील करती हैं, राइट. सो ये कंट्रीज डिफरेंट डिफरेंट गुड्स में क्यों ट्रेड कर रही हैं? क्योंकि ये गुड्स उनके लिए प्रोड्यूस करना एफिशिएंट है. सो जो ये थ्योरीज है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम मॉडर्न थ्योरीज को डिस्कस करेंगे. सो ट्रेडिशनल थ्योरी की फर्स्ट थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म. ये इंग्लैंड में इमर्ज हुई थी अराउंड 16th सेंचुरी. ये थ्योरी ये बोलती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करो और कम से कम इम्पोर्ट करो. आपको अपनी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाना है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जीरो सम गेम. क्योंकि अगर मैं सिर्फ एक्सपोर्ट करूँगी तो मेरा फ़ायदा है, मैं गोल्ड इकट्ठा कर रही हूँ, और जो कंट्री इम्पोर्ट कर रही है उसका नुकसान है क्योंकि वो गोल्ड मुझे दे रही है. सो यहाँ पर एक को बेनिफिट हो रहा है और एक को नहीं हो रहा है. सो दैट वॉज थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म. उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी आई एब्सोल्यूट एडवांटेज. यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो याद रखना है वो है ये थ्योरी किसने दी, एडम स्मिथ ने. कब दी, 1776 में. नाउ वी विल सी कि इसका मोटिव क्या है या ये थ्योरी क्या बोलती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक कंट्री को वो चीज़ एक्सपोर्ट करनी चाहिए जिसमें वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, और उस चीज़ को इम्पोर्ट करना चाहिए जिसमें वो एफिशिएंट नहीं है. तो जैसे इंडिया की नेचुरल एडवांटेज कॉटन है तो वो कॉटन एक्सपोर्ट करेगी और इस चीज़ का एडवांटेज उठाएगी, वेयर एज ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी को एक्सपोर्ट करेगी क्योंकि उसका नेचुरल एडवांटेज कॉफ़ी में है. यहाँ पर सारा जो बेनिफिट है वो एब्सोल्यूट टर्म्स में होता है, क्योंकि जिस चीज़ में हम अच्छे हैं वो हम एक्सपोर्ट करेंगे, जिसमें हम अच्छे नहीं हैं वो हम इम्पोर्ट करेंगे. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सपोज दो गुड्स हैं और हमारी कंट्री उन दोनों गुड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही है. सपोज ए और बी गुड्स हैं और दोनों को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, बट ए में एफिशिएंसी थोड़ी सी ज़्यादा है. तो थ्योरी ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज बोलती है कि गुड्स को कंपेयर करो और देखो आप किस में ज़्यादा एफिशिएंट हो. जिस गुड को प्रोड्यूस करने में आप ज़्यादा एफिशिएंट है उसे एक्सपोर्ट करो, और जिसको प्रोड्यूस करने में आप कम एफिशिएंट है कंपेरेटिवली उसको इम्पोर्ट करो, राइट. ये थ्योरी दी है डेविड रिकार्डो ने 1817 में. सो एब्सोल्यूट और कंपेरेटिव में यही डिफरेंस है. एब्सोल्यूट में हम वो गुड एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें हम एफिशिएंट हैं, बाकी गुड्स हम इम्पोर्ट करते हैं. वेयर एज कंपेरेटिव एडवांटेज में हम ये देखते हैं कि हम किस में ज़्यादा एफिशिएंट हैं और उसे हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जिसमें हम कम एफिशिएंट होते हैं उसे हम इम्पोर्ट करते हैं. देन द लास्ट थ्योरी अंडर ट्रेडिशनल थ्योरीज इज फैक्टर एंडाउमेंट और फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी. ये थ्योरी दी है एली हेक्शर एंड बॉटल ओलेन ने, और इसे हम हेक्शर ओलेन थ्योरी भी बोलते हैं. अभी तक हमने देखा कि सारी थ्योरीज जो हैं प्रोडक्टिविटी की बात कर रही थी, एफिशिएंसी की बात कर रही थी, कि जिस प्रोडक्ट को हम एफिशिएंटली प्रोड्यूस करते हैं उसे हम एक्सपोर्ट करें, और जिसे हम एफिशिएंटली नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे उसे हम इम्पोर्ट करें. बट दिस थ्योरी टॉक्स अबाउट द नेशनल फैक्टर एंडाउमेंट्स. सो बेसिकली जिस कंट्री में जो फैक्टर एंडाउमेंट्स है उन्हें यूज करके वो प्रोडक्ट बनाएं और उन्हें एक्सपोर्ट करें. सो द कंट्रीज विल एक्सपोर्ट दोज गुड्स विच मेक इंटेंसिव यूज ऑफ द फैक्टर्स दैट आर लोकली अबंडेंट. सो जो फैक्टर्स अबंडेंटली मतलब बहुत सारे अवेलेबल हैं उन्हें अच्छे से यूटिलाइज करो और एक्सपोर्ट करो उन गुड्स को, और जो फैक्टर्स आपके लिए लोकली स्केर्स हैं मतलब उनकी कमी है उन फैक्टर्स से बनने वाले प्रोडक्ट्स को आप इम्पोर्ट करो. तो यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ यही है कि नेशनल फैक्टर एंडाउमेंट्स की बात की गई है रादर दैन प्रोडक्टिविटी. अब इसके अंडर एक मेजर क्रिटिसिज्म है लियोंटिफ पैराडॉक्स. ये दिया था वैज़ली लियोंटिफ ने. सो ये क्या बोलता है कि US जो है उसके पास जो फैक्टर्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाने के लिए अबंडेंट है. वेयर एज जब ये रिसर्च हुई तो देखा गया कि US जो इम्पोर्ट करती है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को करती है, वेयर एज इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उसे कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि उस
के बनाने के फैक्टर्स उसके पास अबंडेंट है, वेयरएज यहाँ पर उल्टा देखा गया, एंड हेंस इट इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इस क्रिटिसिज्म को नाम दिया गया लियोंटिफ पैराडॉक्स। अब हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न थ्योरीज को। सो द फर्स्ट मॉडर्न थ्योरी इज कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी। ये किसने दी? स्टेफन बी लिंडर ने इन 1961। ये थ्योरी कॉन्ट्रडिक्ट करती है हेक्सर ओलिन के थ्योरम को। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कंट्री सिमिलर है उन्हें इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जापान और यूएस में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ट्रेड किया जाएगा क्योंकि ये दोनों सिमिलर हैं। वेयर एज जो कंट्री सिमिलर नहीं है वहां पर आप इंटर इंडस्ट्री ट्रेड करो, मतलब कि इंडिया जो है वो स्पाइसेस देगा, वेयर एज यूएस जो है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स देगा, राइट? तो यहाँ पर क्या याद रखना है कि जो सिमिलर कंट्रीज है वहां पर इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड होगा, लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज है उनके बीच में इंटर इंडस्ट्री ट्रेड किया जाएगा। द नेक्स्ट थ्योरी अंडर मॉडर्न थ्योरी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, विच वॉज गिवन बाय रेमंड वर्नर इन मिड 1960s। तो इसको समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो इस थ्योरी में क्या होता है, सबसे पहले न्यू प्रोडक्ट आता है, मतलब किसी कंट्री ने एक प्रोडक्ट को बनाया, और यूजुअली ये कंट्री डेवलप्ड कंट्री होती है, जैसे कि यहाँ पर यूएस। तो यूएस ने एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया और उस प्रोडक्ट को अपनी कंट्री में सेल किया इन ऑर्डर टू केटर टू द डिमांड। उसके बाद ये प्रोडक्ट आता है नेक्स्ट साइकिल में, दैट इज मैच्योरिंग प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि इस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो डिफरेंट कंट्रीज में अराइज हो रही है, तो यूएस क्या करेगा, दूसरी कंट्रीज को ये गुड्स एक्सपोर्ट करेगा। सो यूएस ने जर्मनी में इस गुड को एक्सपोर्ट किया क्योंकि वहां पर भी इसकी डिमांड बढ़ रही थी। उसके बाद प्रोडक्ट नेक्स्ट स्टेज पे जाता है, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो अपनी प्रोडक्शन डेवलपिंग कंट्रीज में शिफ्ट कर देती है, सो एज टू टेक द कॉस्ट एडवांटेजेस, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज में यूजुअली कॉस्ट कम होती है, तो वो अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स जो है इंडिया में सेट कर देगी और यहाँ से सारी डिमांड्स को फुलफिल करेगी, बी इट द डिमांड ऑफ जर्मनी और यूएस। तो यहाँ क्या हुआ, जो एक्सपोर्टर था इनिशियली दैट इज यूएस, वो एंड में आके इम्पोर्टर बन गया, राइट? तो उसने पहले गुड को प्रोड्यूस किया, अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल किया, फिर इंटरनेशनल डिमांड को फुलफिल किया, एंड फाइनली जब उसे लगा कि डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है और उसे अपना कॉस्ट कम करना चाहिए, तो डेवलपिंग कंट्रीज में अपने प्रोडक्शन को सेटअप किया एंड वहां से सारी डिमांड्स को केटर किया। सो द एक्सपोर्टर बिकम्स द इंपोर्टर अंडर दिस थ्योरी। द नेक्स्ट थ्योरी इज न्यू ट्रेड थ्योरी। ये किसने डेवलप की? पॉल क्रुगमैन ने। सो ये थ्योरी ये बोलती है कि एक कंपनी इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल हो सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसके पास कोई प्रोडक्टिविटी की एडवांटेज नहीं है, मतलब कि कोई एफिशिएंसी नहीं है किसी प्रोडक्ट में, या फिर उसके फैक्टर एंडाउमेंट्स अच्छे नहीं हैं। तो इस थ्योरी ने ट्रेडिशनल थ्योरीज को क्रिटिसाइज किया और बोला कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल होना है तो फैक्टर एंडाउमेंट्स अच्छे होने की जरूरत नहीं है और ना ही प्रोडक्टिविटी अच्छे होने की जरूरत है। जरूरत किस चीज की है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को हासिल करे, मतलब कि वो ऐसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले कि वहां पर कोई ना हो और वहां पर वो अपनी डिमांड क्रिएट करे और उस डिमांड को इतनी ज्यादा बढ़ा ले कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा उठा सके। सेकेंडली वो अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करे। जो मार्केट में प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं अगर आपका प्रोडक्ट उनसे डिफरेंट होगा और अच्छी क्वालिटी का होगा तो कंज्यूमर्स उसे प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर फैक्टर एंडाउमेंट्स और प्रोडक्टिविटी की बात नहीं की गई, बल्कि ये बोला गया है कि अगर किसी को इंटरनेशनल ट्रेड में सक्सेसफुल रहना है तो तीन फैक्टर्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकेंड इज फर्स्ट मूवर एडवांटेज, एंड फाइनली थर्ड इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट थ्योरी अंडर मॉडर्न थ्योरी इज नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, विच वॉज गिवन बाय माइकल पॉटर इन 1990s। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम एग्जाम परस्पेक्टिव ऑल्सो। सो इसे हम पॉटर्स डायमंड भी बोलते हैं। सो कंट्री को वो गुड्स एक्सपोर्ट करने चाहिए जिस गुड को प्रोड्यूस करना सबसे ज्यादा फेवरेबल हो अकॉर्डिंग टू हिज
डायमंड. तो यहाँ क्या है, कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक तो फैक्टर कंडीशंस जो है, सेकेंडली डिमांड कंडीशंस कैसी है उस कंट्री में, कि लोग कितना डिमांड कर रहे हैं, वहां पर डिमांड सस्टेनेबल है या बार बार कम या ज्यादा हो रही है. देन स्ट्रैटेजी स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, राइवलरी की स्ट्रैटेजी देखो और उसी तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाओ. एंड लास्टली रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज कैसी हैं. तो एक कंट्री उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट करेगी जहां पर कि डायमंड मोस्ट फेवरेबल हो. और डायमंड्स के एस्पेक्ट्स क्या हैं, ये चार एस्पेक्ट्स हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. तो गवर्नमेंट हमारे इंटरनेशनल ट्रेड में क्यों इंटरवेंट करती है, उसके पीछे दो रैशनल गिवन है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. तो इकोनॉमिक में क्या आता है, इन्फेंट इंडस्ट्री, मतलब जो इंडस्ट्रीज अभी अभी सेटअप हुई हैं डोमेस्टिकली, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है सो एज टू मिनिमाइज द कॉम्पिटिशन फॉर देम. सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है. एंड थर्डली गवर्नमेंट इसीलिए इंटरवीन करती है ताकि वो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि अगर इम्पोर्ट्स ज्यादा होंगे तो हमारे डेफिसिट होने के ज्यादा चांसेस हैं, एंड हेंस उस डेफिसिट से बचने के लिए गवर्नमेंट जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है. अब नॉन इकोनॉमिक रैशनल क्या है इसके पीछे, प्रिजर्वेशन ऑफ नेशनल आइडेंटिटी एंड कल्चर. हर एक कंट्री के लिए उसका कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो हम दूसरे कल्चर से अडेप्ट करेंगे और हो सकता है हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर को खो दे. सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द कल्चर एंड नेशनल आइडेंटिटी. सेकेंड इज ट्रेड एज अ बार्गेनिंग टूल. यहाँ पर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ बार्गेन करना पड़ता है जो कि एक डबल एज सोर्ड है. देन थर्ड इज प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर एंड ह्यूमन राइट्स. अब गवर्नमेंट इंटरवीन करती है तो उस ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए वो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सकती है, वी विल डिस्कस देम. उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टैरिफ बैरियर्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स. फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी टैरिफ बैरियर्स की बात हो तो आपके दिमाग में सीधा टैक्स आना चाहिए. सो इट इज द टैक्स व्हिच इज लेवाइड इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट द ट्रेड. सो नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ टैरिफ बैरियर्स. लेट अस से इंडियन कंपनी ने यूएस कंपनी को कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए, तो इंडियन कंपनी हमारी एक्सपोर्टर हुई और यूएस कंपनी हुई इम्पोर्टर. तो अगर एक्सपोर्टेड कंट्री कोई टैक्स कलेक्ट करती है या टैरिफ कलेक्ट करती है, उसे बोलते हैं एक्सपोर्ट टैरिफ. अगर इम्पोर्टेड कंट्री कोई टैरिफ कलेक्ट करती है तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट टैरिफ. और सपोज ये गुड्स पहले चाइना के पास गए और उसके बाद ये गुड्स यूएस को ट्रांसफर किए गए, तो चाइनीज गवर्नमेंट इस पर ट्रांजिट टैरिफ लगा सकती है क्योंकि गुड्स उस कंट्री से पास किए जा रहे हैं. सो दैट वाज ट्रांजिट टैरिफ. फिर आती है स्पेसिफिक ड्यूटी, मतलब कि पर यूनिट बेसिस पर जब टैक्स लगाया जाए, मतलब कि अगर आपने 10 यूनिट्स भेजी हैं तो 10 यूनिट्स पर टैक्स लगेगा. नाउ सपोज उन 10 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो है 10,000, तो जब 10,000 पर टैक्स लिया जाएगा तो उसे बोलेंगे एड वैलोरम ड्यूटी. तो जब वैल्यू पे टैक्स लगता है या वैल्यू पे टैरिफ लगता है उसे बोलते हैं एड वैलोरम ड्यूटी, वेयर एज जब क्वांटिटी पर लगता है तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक ड्यूटी. नेक्स्ट आता है नॉन टैरिफ बैरियर्स. उसमें सबसे पहले है डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस. तो कोई भी गवर्नमेंट ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कुछ सब्सिडीज दे सकती है या फिर लोन्स और एड्स प्रोवाइड कर सकती है, वो हमारे डायरेक्ट प्राइस इन्फ्लुएंस के अंडर आते हैं. सेकेंड इज क्वांटिटी कंट्रोल्स. तो क्वांटिटी कंट्रोल में कोटा होता है. सबसे पहले कोटा बेसिकली क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, मतलब कि एक गवर्नमेंट ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि आप सिर्फ 100 यूनिट्स भेज सकते हैं. तो जब क्वांटिटी पर आपने रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसे बोलते हैं कोटा. उसके बाद वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेंट. सपोज इंडिया ने जाके चाइना को रिक्वेस्ट किया कि चाइना कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दे अपने एक्सपोर्ट्स पर, क्योंकि इंडिया में उसके एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो इंडिया के इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं और सिचुएशन खराब हो रही है. सो इंडियन गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड द चाइनीज गवर्नमेंट कि वो वॉलंटरीली कुछ रिस्ट्रेंट लगा दे सो दैट वहां से जो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया में वो कम हो जाए. देन नेक्स्ट इज ऑर्डरली मार्केट अरेंजमेंट. इसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज आपस में एक फॉर्मल अग्रीमेंट करती हैं जिसमें वो
ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, राइट। सो यहाँ पर इंटरनेशनल कंपटीशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए दो गवर्नमेंट आपस में अग्रीमेंट करती हैं। नेक्स्ट इज एम्बार्गो। एम्बार्गो एक स्पेसिफिक कोटा का टाइप है जिससे कि सारे ट्रेड रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट बाय लोकल लेजिस्लेशन, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर का जो मेजर पोर्शन है वो नेशनल या फिर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स पर करना होगा। मतलब कि अगर गवर्नमेंट कुछ गुड्स खरीद रही है तो उसका मेजर पोर्शन डोमेस्टिक सप्लायर से ही होना चाहिए। नेक्स्ट इज टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स। तो कंट्रीज कुछ स्टैंडर्ड्स बना देती है टू प्रोटेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द सिटीजंस। तो कंट्री क्या करेगी, कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, तो अगर कोई गुड आ रहा है उसे वो स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो गुड हमारी कंट्री में एंटर कर सकता है। सो ये भी एक तरीका है जिससे कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक परमिशन रिक्वायरमेंट। तो कुछ गुड्स के केसेस में गवर्नमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है और गवर्नमेंट अथॉरिटी के ऊपर है कि वो लाइसेंस देना चाहती है या नहीं देना चाहती। देन द लास्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेस। अगर कोई गुड एक कंट्री में एंटर कर रहा है तो कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, तो ये हो सकता है कि जो स्टाफ है वो उन फॉर्मेलिटीज को जल्दी पूरा ना करे और इसलिए वहां पर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर इंटरनेशनल बिजनेस इज इंडिया फॉरन ट्रेड पॉलिसी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि ये पॉलिसी का फैसिलिटेटर कौन है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरन ट्रेड। द सेकेंड थिंग इज कि जो अभी करेंटली पॉलिसी है वो एप्लीकेबल है 2015 से 2020 तक, तो मतलब वो पॉलिसी 2015 में दी गई। उस पॉलिसी का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, पेपरलेस वर्किंग पर ध्यान दिया है, सो एज कि हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके और एक्सपोर्टर्स या इंपोर्टर्स को जो है रिलीफ मिल सके पेपर वर्क से। सो द फोकस एरिया क्या रहेगा कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं, बी इट एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड हम अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई करें। द वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम अंडर द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज MEIS, दैट इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। फर्स्ट पॉइंट इस स्कीम के बारे में ये है कि ये पांच स्कीम्स को कंबाइन करके बनाई गई है। मतलब पहले पांच स्कीम्स अवेलेबल थी जो कि गुड्स के एक्सपोर्ट में हेल्प करती थी या कुछ इंसेंटिव देती थी, उन्हें कंबाइन करके एक स्कीम लाई गई है अंडर दिस ट्रेड पॉलिसी, दैट इज मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम द इंडिया स्कीम। अब नाम से काफी क्लियर है कि ये हमारे गुड्स के एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। इसके अंडर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट्स। तो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट को समझने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोज ए एक एक्सपोर्टर है और उसने कुछ गुड्स एक्सपोर्ट किए टू एनी कंट्री। अब टू प्रमोट दिस एक्सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है या DGFT क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट देता है जिस पर अमाउंट लिखा है ₹50,000। अब ये जो डॉक्यूमेंट है इसे बोलते हैं ड्यूटी स्क्रिप्ट। अब इस डॉक्यूमेंट का काम क्या है कि जब ए कोई गुड को इंपोर्ट करना चाहेगा तो उस पर उसे कुछ कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो वो इस कस्टम ड्यूटी को इस डॉक्यूमेंट से पे कर सकता है। सपोज कस्टम ड्यूटी 60,000 थी तो वो 60,000 में से 50,000 इस ड्यूटी स्क्रिप्ट को देकर खत्म कर सकता है और उसे सिर्फ 10,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ड्यूटी स्क्रिप्ट इज कि ये गुड्स के एक्सपोर्ट के लिए दिए जाते हैं और सर्विस के एक्सपोर्ट के लिए भी दिए जाते हैं। ऑल्सो इनकी वैलिडिटी जो है वो 24 months की है, पहले 18 months थी लेकिन अब इसको बढ़ाकर 24 months कर दिया गया है। सो विद इन 24 months आपको ये ड्यूटी स्क्रिप्ट यूज करने हैं जब आप कुछ गुड इम्पोर्ट करें टू प्रिवेंट दी कस्टम ड्यूटी। नाउ दी क्वेश्चन अराइजेस कि ये ड्यूटी स्क्रिप्ट की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। तो ये अराउंड 3-5% होती है ऑफ दी FOB वैल्यू, दैट इज फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू। एंड दी लास्ट पॉइंट अबाउट ड्यूटी स्क्रिप्ट इज कि ये ट्रांसफरेबल है। मतलब कि अगर ए को कोई गुड इम्पोर्ट नहीं करना तो उसके लिए ड्यूटी स्क्रिप्ट किसी काम की नहीं है,
तो वो ये ड्यूटी स्क्रिप्ट किसी और इम्पोर्टर को दे सकता है और इन रिटर्न वो इम्पोर्टर ए को पैसे देगा फॉर दिस ड्यूटी स्क्रिप्ट। अब जो इम्पोर्टर है उसके लिए क्या बेनिफिट है कि वो 50,000 से कम पैसे देगा ए को, वो सपोज 40,000 देता है तो उसने 10,000 बचा लिए क्योंकि वो जो कस्टम ड्यूटी है उसको वो 50,000 से कम करवा सकता है। तो ये ड्यूटी स्क्रिप्ट का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। अगली इम्पोर्टेंट स्कीम इस ट्रेड पॉलिसी के अंडर दी गई है, दैट इज सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, और इसी स्कीम का पहले नाम था सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर भी ड्यूटी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्टर्स को दी जाती हैं। अब इस पॉलिसी का एक मिड टर्म रिव्यू हुआ था जिसको रिलीज किया गया 2017 में, उस रिव्यू के कुछ हाइलाइट्स पीडीएफ में मेंशन है, आप उनको एक बार रीड कर सकते हैं। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेम्बर आर द MEIS एंड SEIS एंड अबाउट द ड्यूटी स्क्रिप्ट्स। आगे चलते हैं, इंडिया के एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा कौन से गुड्स के होते हैं, वो है इंजीनियरिंग गुड्स रैंक 1 पर, देन जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स, टेक्सटाइल एंड पेट्रोलियम। तो ये ऊपर के 5 जो है ये आपको याद रखना जरूरी है कि इंडिया सबसे ज्यादा इन गुड्स को एक्सपोर्ट करता है। और सबसे ज्यादा कौन से गुड्स इम्पोर्ट किए गए हैं बाय इंडिया, पेट्रोलियम, कैपिटल गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये 5 भी याद रखना जरूरी है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि सबसे ज्यादा ट्रेड किसके साथ हुआ है, सो सरप्लस में जो है इंडिया वो US के साथ है, UAE के साथ है, बांग्लादेश, नेपाल और UK, लेकिन डेफिसिट किसके साथ है इंडिया का, चाइना, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरेबिया, इराक एंड साउथ कोरिया। सो दीज आर दी टॉप 5 कंट्रीज फॉर डेफिसिट एंड सरप्लस विच द इंडिया इज मेंटेनिंग। अब कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम है जो आपको पता होनी जरूरी है। MEIS और SEIS हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आती है रिवॉर्ड स्कीम के अंडर। अब हमें डिस्कस करनी है एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम एंड ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम एंड EPCG। तो सबसे पहले एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, इसके अंडर क्या होता है कि जो इनपुट्स एक्सपोर्टर अपने प्रोडक्ट्स में यूज कर रहा है उन पर उसे कस्टम ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, राइट? और ये कब तक वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर 12 months। ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम क्या है, इट इज वेरी सिमिलर टू एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, लेकिन ये सिर्फ उन गुड्स पर एप्लीकेबल है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स ने नोटिफाई किए हैं। तो यहाँ पर उन प्रोडक्ट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है जो कि वो एक्सपोर्टेड गुड्स में यूज करने वाला है, एंड ऑल्सो दे आर नोटिफाइड बाई SION। Lastly, EPCG, Export Promotion Capital Goods Scheme, नाम से काफी क्लियर है कि यहाँ पर कस्टम ड्यूटी किस पर नहीं देनी, कैपिटल गुड्स पर। तो जब एक एक्सपोर्टर कोई कैपिटल गुड इम्पोर्ट करता है तो उस पर उसे ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर कंडीशन क्या है कि जब वो गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा जो उसने उस कैपिटल गुड को यूज करके बनाए हैं तो उन गुड्स की वैल्यू 6 times होनी चाहिए जो ड्यूटीज उसे माफ की गई है। मतलब सपोज मैं एक एक्सपोर्टर हूं, मैंने कैपिटल गुड को इम्पोर्ट किया, उस पर मुझे 10,000 की कस्टम ड्यूटी देनी थी, लेकिन EPCG के अंडर मुझे वो ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ी, लेकिन मुझे एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कि अगले 6 साल में मुझे 6 times ऑफ द ड्यूटी का अमाउंट एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब 10,000 × 6, दैट इज 60,000। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच वी नीड टू डिस्कस इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब कोई भी फर्म डायरेक्टली किसी फैसिलिटी में जाकर इन्वेस्ट करे। अब FDI के हमें कुछ कैटेगरीज को पढ़ना है। फर्स्टली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कब होती है, जब सपोज एक कंपनी ने जाकर US में अपनी नई सब्सिडरी खोली। तो जब एक कंपनी किसी फॉरेन मार्केट में या फॉरेन कंट्री में जाके अपनी सब्सिडरी खोलती है तो उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि एक कंपनी किसी फॉरेन कंट्री में जाके वहां की कंपनी को एक्वायर करे या उसके साथ मर्ज करे। तो अगर नई सब्सिडरी खोली तो ग्रीन फील्ड, अगर पुरानी के साथ कोलैबोरेट किया तो ब्राउन फील्ड। यहाँ याद रखना है कि फॉरेन मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए।
उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी के नेचर पर हॉरिजॉन्टल एफडीआई। तो जब एक कंपनी सिमिलर प्रोडक्शन फैसिलिटी वाले बिजनेस में इन्वेस्ट करती है इनटू अनदर कंट्री तो उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एफडीआई। लेकिन वर्टिकल एफडीआई क्या होता है, जैसे कि मैं कार्स प्रोड्यूस करती हूँ और मैं इंडिया में बेस्ड हूँ, मैं किसी एक फॉरेन फर्म के साथ कोलैबोरेट करूँ जो कि स्पेयर पार्ट्स बनाती है, राइट, तो वो रॉ मटेरियल है मेरे लिए। तो जब मैं दूसरे प्रोडक्शन फैसिलिटी के साथ फॉरेन कंट्री में जाके कोलैबोरेट करूँ, मर्ज करूँ या एक्वायर करूँ तो उसे बोलते हैं वर्टिकल एफडीआई। एंड कॉन्ग्लोमरेट एफडीआई इज दोज एफडीआई जिसमें कि दो अनरिलेटेड प्रोजेक्ट डिफरेंट कंट्रीज में सिचुएटेड हैं और वो आपस में कोई मर्जर करते हैं, कोई एक्विजिशन करते हैं या एमालगमेशन करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कॉन्ग्लोमरेट के बारे में ये है कि जो फर्म्स हैं वो अनरिलेटेड प्रोडक्ट में डील करें। देन मोटिव बेस्ड व्यू, अगर रिसोर्स सीकिंग एफडीआई है, मतलब कि मैंने किसी ऐसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है जिससे कोलैबोरेट करने से मुझे रिसोर्सेज का बेनिफिट हो तो उसे बोलते हैं रिसोर्स कोलैबोरेटिंग या रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। देन मार्केट सीकिंग, मेरी अपनी डोमेस्टिक मार्केट सैचुरेट हो गई तो इसलिए मैंने फॉरेन मार्केट में जाके किसी फर्म के साथ कोलैबोरेट किया या मर्जर किया या एक्वायर किया उसे तो उसे बोलते हैं मार्केट सीकिंग। एंड फाइनली एफिशिएंसी सीकिंग, जब मैं उनकी एफिशिएंसी को चाहती हूँ कि मेरी फर्म में भी वो आ जाए तो उसे बोलते हैं एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई। अब हमें देखना है एफडीआई के बेनिफिट्स क्या हैं या उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली पहले आपको होम कंट्री और होस्ट कंट्री का पता होना जरूरी है। तो सपोज मेरी एक कंपनी है ए विच इज बेस्ड इन इंडिया और मैंने जाकर किसी फॉरेन कंट्री बी दैट इज बेस्ड इन यूएस के साथ कुछ मर्जर किया, कोलैबोरेट किया या एक्विजिशन की या वहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा एंटर किया, तो ए जो है उसके लिए इंडिया होम कंट्री हुई और यूएस उसके लिए होस्ट कंट्री हुई। अब यहाँ पर होस्ट कंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब यूएस के अकॉर्डिंग हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो यूएस के लिए क्या एडवांटेज है कि उसे इंडिया से रिसोर्सेज मिले, उसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, क्योंकि अगर वहां जाकर कोई कंपनी सब्सिडरी खोलेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। बीओपी इफेक्ट, इंडिया ने वहां पर एफडीआई किया तो उनके लिए इन्वेस्टमेंट इनफ्लो है, कैपिटल इनफ्लो है, तो ऑब्वियसली उनका बीओपी के लिए बेनिफिशियल है। देन उनके कंपटीशन और ग्रोथ पर भी इफेक्ट आएगा। अब यूएस की कॉस्ट क्या होंगी यहाँ कि उनके कंपटीशन पर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वहां पर कंपटीशन बढ़ जाएगा। बीओपी पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जो अर्निंग्स होंगी इस कंपनी की वो वापस अपनी पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर करेगी एंड हेंस यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट होने के चांसेस हैं। देन नेशनल सॉवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर फॉरेन फॉर्म्स आ रही हैं तो यूएस में इंडियन फॉर्म्स आएंगे तो फॉरेनर्स का यहाँ पर ज्यादा एडवांटेज हो जाएगा एंड हेंस हमारी नेशनल ऑटोनॉमी के लिए ये अच्छा नहीं है। अब होम कंट्री, मतलब हमारी एग्जाम्पल में इंडिया के लिए क्या बेनिफिट है, वहां से हम फॉरेन स्किल्स सीख सकते हैं। बीओपी बेनिफिट होगा क्योंकि अर्निंग्स हमारे पास आ रही है, दिस वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद हम अपनी होम मार्केट को सर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफडीआई। यहाँ पर कॉस्ट क्या होंगी कि डोमेस्टिक जॉब्स चली जाएंगी क्योंकि अगर ए इंडिया में ही और ज्यादा इन्वेस्ट करती तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती, बट उसने यूएस में इन्वेस्ट किया तो यूएस में एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, तो हमारे लिए दैट इज इंडिया के लिए नुकसान है। देन बीओपी सफर करेगा क्योंकि इनिशियली वो इन्वेस्टमेंट कर रही है तो बीओपी में कैपिटल आउटफ्लो हुआ एंड हमारी टेक्निकल नो हाउ भी हमने यूएस में ट्रांसफर कर दी। नेक्स्ट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मतलब कि हम किसी फॉरेन कंट्री के शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करें इन ऑर्डर टू अर्न सम रिटर्न्स। यहाँ पर मेजर डिफरेंसेस मेंशन्ड हैं। तो एफडीआई बेसिकली प्रोडक्टिव एसेट में इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है, लेकिन जब हम फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करें तो उसे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। एफडीआई से इन्वेस्टर को ओनरशिप और मैनेजमेंट राइट मिलता है, लेकिन एफपीआई से सिर्फ ओनरशिप राइट मिलता है, मैनेजमेंट राइट नहीं मिलता। अगर मैनेजमेंट राइट मिल रहा है एफडीआई की वजह से तो यहाँ पर वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेयर एज एफपीआई के अंडर ऐसी कोई भी एडवांटेज नहीं होती।
FDI जब कोई इन्वेस्टर करता है तो वो लॉन्ग टर्म सोच के करता है, वेयर एज FPI जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है. एंड फाइनली इन्वेस्टमेंट जब 10% से ज्यादा हो तो वो FDI है, अगर 10% से कम हो तो FPI. नाउ वी नीड टू डिस्कस FDI पॉलिसी इन इंडिया. तो सबसे पहले इसको फॉर्मुलेट करने के लिए नोडल डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द FDIs इन इंडिया. इम्पॉर्टेंट फैक्ट हियर टू नोट इज कि इंडिया अब 100 टॉप कंट्रीज का पार्ट है जहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है. ऑल्सो ग्रीन फील्ड FDI में इंडिया की रैंकिंग फर्स्ट नंबर पर है. इंडिया में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जाती है उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज 100% FDI परमिटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है. सेकेंड इज अप टू 100% FDI परमिटेड थ्रू गवर्नमेंट रूट, मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट की परमिशन से आप हमारी कंट्री में एंटर कर सकते हैं. एंड फाइनली अप टू 100% FDI परमिटेड थ्रू द गवर्नमेंट एंड ऑटोमेटिक रूट, मतलब कि दोनों का कुछ कॉम्बिनेशन जहां पर आपको कहीं ना कहीं परमिशन लेनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं ना लेनी पड़े. सो वो आता है कैटेगरी 3 में. ये कुछ प्रोहिबिटेड सेक्टर्स है जिसमें कि FDI पॉसिबल नहीं है. तो इंडिया में अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो इन रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में नहीं कर सकता. सो दीज सेक्टर्स आर लॉटरी, निधि कंपनी, चिट फंड्स, गैम्बलिंग, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, सिगार्स, टोबैको, सिगरेट्स एंड सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर, जैसे कि रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी एंड सो ऑन. फाइनली ट्रेंड्स में कुछ चीजें याद रखनी है. फर्स्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा जिस सेक्टर में FDI रिसीव हुई है वो है सर्विसेज. सेकेंड नंबर पे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. थर्ड पे टेलीकम्युनिकेशन, देन ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन एंड ऑटोमोबाइल एंड पावर. तो ये चीज आपको याद रखनी है. सेकेंडली, सबसे ज्यादा FDI इंडिया में कहाँ से आई है, फ्रॉम मॉरिशियस, फॉलोड बाय सिंगापुर, नीदरलैंड, US एंड जापान. तो ये कुछ चीजें हैं जो फैक्चुअल डेटा में आती हैं और ये आपको याद रखनी है क्योंकि फैक्ट्स भी पेपर में पूछे जाते हैं. आगे की रिविजनल सीरीज हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.